And welcome to day 26 of Infinite Labs presents Road to Sheru Classic Transformation Series. And today it's going to be a back day. So, you know, कल का हमारा ऑफ डे था, रेस्ट डे था, तो इट वाज अ गुड रिकवरी. तो अभी बॉडी रिकवर फील की है और आज हमने बैक का वर्कआउट स्टार्ट किया है. तो इसमें हमने चार एक्सरसाइजेज रखी हैं और चार एक्सरसाइजेज में अगेन जो रेप रेंज हमारी है वो हर एक सेट में अराउंड 12 से 15 की रही है. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला हमारा वर्कआउट है दैट्स कार्डियो एज यूजुअल. तो कार्डियो हमारा 15 से 20 मिनट की जो इंटरवल है उसमें हमने कार्डियो किया है और उसके बाद अपर बॉडी वार्म अप जो हमारा रेगुलर आगे बैंडेड वार्म अप चलता है वही हम करेंगे. एंड नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द बैक वर्कआउट एंड द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट वी आर गोइंग टू डू इज सीटेड रो. जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीटेड रो को आप या तो एक पर्टिकुलर चेस्ट सपोर्टेड मशीन है उस पर कर सकते हो या सीटेड रो अगर नॉर्मल जिम्स में जो ट्रेडिशनल मशीन आती है सीटेड रो की जिसे हम ग्राउंड पुली भी बोलते हैं हम वो भी कर सकते हैं. सो अगेन इट्स अ बेसिकली इट्स एन आइसोलेशन मूवमेंट. तो इसमें आपका जो कॉन्ट्रेक्शन पार्ट है वो बहुत ही कनेक्टेड होना चाहिए. आपका मसल एंड माइंड कनेक्शन एकदम कनेक्टेड होना चाहिए इस चीज़ के लिए. तो इसमें हमने चार सेट रखे हैं और चारों में हमने जो रेप रेंज है वो 12 से 15 की रखी है. जस्ट इंटेंसिटी को बिल्डअप करते गए 80% 80% 90% और 100% फेलियर हमने चारों ही सेट्स में अप्रोच किया है. तो अगेन आखिरी सेट इट वाज फुल इंटेंसिटी बट स्टिल इट्स 12 टू 15 रेप रेंज. रेप रेंज हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो 12 से 15 ही रहेगी. और बिकॉज रीज़न क्या है कि अब हम फोर्थ वीक में हैं तो एनर्जी लेवल्स काफ़ी यू नो कि इंक्रीज हो चुके हैं, कंसिस्टेंसी बन चुकी है और यहाँ पे बेनिफिट है हमें अगर हम इस बढ़ी हुई इंटेंसिटी को बढ़ी हुई एंड्योरेंस लेवल को हम कैश इन कर सकें. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड दैट्स लैट्स पुल डाउन. नॉर्मल ट्रेडिशनल जो लैट्स पुल डाउन मशीन आपके पास है आप उस पर कर सकते हैं या कई जिम्स में प्लेट लोडेड वेरिएशंस भी अवेलेबल होती हैं जिसमें राउंड प्लेट्स फ्री वेट से हम मतलब लैट पुल डाउन लगा सकते हैं. जो भी मशीन आपके पास अवेलेबल हो हम उसे यूज़ कर सकते हैं. इसमें हमने तीन सेट्स रखे हैं लेकिन अगेन वही है कि मसल माइंड कनेक्शन अब बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होने लग चुका है यू नो पिछले 3 हफ्ते के बाद. तो इट्स ईजी टू कनेक्ट राइट. तो इसमें हमने तीन सेट रखे हैं, रेप रेंज 12 से 15 की है और तीनों सेट्स में हमने 90 और 100% फेलियर अटेन किया है. So let's move on to the next exercise and that's single arm dumbbell rows. So हम 3 हफ्ते के बाद ये पहली बार है कि ये एक्सरसाइज को हम इंक्लूड कर रहे हैं. रीज़न मतलब मैं चाहता तो इस चीज़ को पहले इनकॉर्पोरेट कर सकता था लेकिन अभी तक यू नो एक वेट को कंट्रोल करना, मसल माइंड और मसल माइंड कनेक्शन को बिल्डअप करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. और जहाँ पे बात आती है सिंगल आर्म डंबल रोइंग की, ये एक्सरसाइज तब तक बेनिफिशियल नहीं है जब तक आप लैट्स को एक्चुअली अपने माइंड के साथ कनेक्टेड ना कर पाओ. बिकॉज अगेन यू नो इट्स गोइंग टू बी अ मूवमेंट दैट इज हाईली बेनिफिशियल फॉर द लैट्स अंटिल अनलेस इट्स कनेक्टेड. इट मस्ट बी कनेक्टेड टू योर माइंड. आपके लैट्स कनेक्टेड होने चाहिए और वो एक कनेक्शन जो मसल माइंड कनेक्शन है वो एक थोड़े टाइम बाद ही बिल्डअप होना शुरू होता है. तो इसमें ज़्यादा बैक को आपको आर्क करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट एक स्टेबल बैक रखें, अपनी लोअर बैक को बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेट करने की भी ज़रूरत नहीं है और ज़रूरत से ज़्यादा यू नो अपर बेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है. जस्ट आप एक बार पोस्चर देखें और उस हिसाब से इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करें. तो इसमें हमने तीन सेट्स रखे हैं, रेप रेंज हमारी 12 से 15 की रही है और ताकि नई एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट करते टाइम कोई दिक्कत ना आए तो इसलिए हमने वेट इसमें ज्यादा पुश नहीं किया ताकि आप मसल माइंड कनेक्शन अपना बिल्ड कर सको. सो लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल एक्सरसाइज एंड दैट्स स्ट्रेट आर्म लैट पुल डाउन. इसको आप रोप पे कर सकते हो, वी हैंडल पे कर सकते हो और स्ट्रेट बार पे कर सकते हो, जहां पे भी आपके लैट्स बेटर कनेक्टेड फील करें. जैसे हमने पिछले 3 वीक्स में किया है वैसा ही हम इस बार करेंगे. हम इसके 7 सेट्स रखेंगे FST7 स्टाइल और उनमें एक यू नो मॉडरेट वेट रखेंगे, ज़्यादा वेट को हाई नहीं करेंगे लेकिन जो हमारी रेप रेंज रहेगी वो अराउंड 15 to 20 की रहेगी इसमें. और इसमें सातों के सातों सेट्स हमें बैक टू बैक रिपीट करने हैं. मीन्स सेट 1 जैसे ही आपका कंप्लीट होगा आपको 45 टू 60 सेकेंड्स का ब्रेक लेना है और उसके बाद सेट 2 देन ब्रेक देन सेट 3 और ऐसे ही हम इसके 7 सेट्स कंप्लीट करेंगे.
सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज बैक वर्कआउट एंड अगेन मेक श्योर कि 4 हफ्ते हो चुके हैं. दिस इज जस्ट अ ट्रायल थिंग है ना, कि 4 हफ्ते में यहाँ तक हम अपनी इंटेंसिटी को लेके आए हैं अभी तक. लेकिन जो हमारे week 5 और 6 होने वाले हैं वो थोड़े से मतलब एक पीक इंटेंसिटी लगा लो कि हम उनको पीक इंटेंसिटी पे ऑपरेट करेंगे और हम उस इंटेंसिटी को आगे चल के अपनी ट्रांसफॉर्मेशंस का बेस बना के हम उसको बेस बना के यूज़ कर सकते हैं जो इंटेंसिटी हम अगले 2 हफ्तों में बिल्ड करने जा रहे हैं. सो जस्ट स्टे विद अस एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट वीक, बट डू द वर्कआउट ऑफ दिस वीक वेरी केयरफुली, कनेक्ट योर माइंड एंड मसल. सी यू देयर, बाय बाय.